हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका जीके ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो अगली बार मैंने बताया था कि रुस्तमपुर इंदिरा नगर में कैसे आए, अब इसके बाद है हम जा रहे हैं बाईपास चौराहे पर। एक हार्ट केयर हॉस्पिटल है, उसमें दवा लेने मेरी माताजी का दवा चलता है, तो मैं जा रहा हूँ दवा लेने। देखें, पर्ची मैं ले लिया हूँ और मैं हॉस्पिटल खोज रहा हूँ कहाँ हॉस्पिटल है जहाँ मुझे दवा लेना जाना है। वैसे दवा तो भटोलिया मार्केट में भी मिल जाता है, मगर माता जी ने कहा है कि उसी डॉक्टरी से ही लेकर आना है दवाई, दूसरी कंपनी का बिल्कुल नहीं और कहीं और से तो बिल्कुल नहीं, आस अगल बगल से। तो मैंने कहा है ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं वहीं से लेकर दवाई आऊँगा। तो ये है रुस्तमपुर ढाला, अभी इंदिरा नगर है और यही रुस्तमपुर ढाला इंदिरा नगर है। तो ये रुस्तमपुर ढाला से पहले ही इंदिरा नगर है, इसी में कहीं है तारा मंडल बाईपास के पास। तो मैं देखता हूँ कहाँ पे है। तो कई लोगों ने बताया है कि आगे ही है, पेट्रोल पंप के आगे कोई एसबीआई का ब्रांच है, बैंक है, ऑफिस है, उसी के बगल से रास्ता गया है, वहीं से आप जा सकते हैं। या तो सर माउंट स्कूल है, वहाँ से आप जा सकते हैं। तो मैं अब जा रहा हूँ दवाई लेने, तो देखता हूँ कहाँ पे है। और ये है, आप इंदिरा नगर देख सकते हैं, पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, बहुत पानी लगता था। अब यहाँ पे देख सकते हैं पेट्रोल पंप खुल चुका है, सब कुछ अपना हो रहा है। देखिए, अब मुझे मिल गया एसबीआई का ब्रांच, तो इसी सड़क से शायद मुझे जाना है नीचे इंदिरा नगर। यहाँ देख सकते हैं कितना गड़ा है, मगर यहाँ पे सब घर और सब बन चुका है, यहाँ पे बड़े बड़े ऑफिस बन चुके हैं। अब यहाँ पे पानी उन्हें नहीं लगता, पहले ये रामगढ़ ताल का ही हिस्सा था, मगर अब ये पूरा विकसित हो चुका है। यहाँ पे बहुत सारे अस्पताल हैं और मैं यहीं पे जा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे कहाँ पे मुझे मिलेगा ये हॉस्पिटल हार्ट केयर। बहुत से हॉस्पिटल है यहाँ पे, शायद अतुल शाही का भी हॉस्पिटल है जो हार्ट केयर का दवाई देता है। तो यहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल है हार्ट केयर, बच्चों का, बूढ़ों का, जवानों का, नामर्दों का। तो यहाँ पे हर तरीके से बैनर पोस्टर लगे हैं, अगर आप कोई बीमारी है तो आप इंदिरा नगर के इस जगह आ सकते हैं। बाईपास तिराहा है गोरखपुर का, तारामंडल। तो मुझे इसी हॉस्पिटल में आना है, तो मैं हॉस्पिटल में मुड़ता हूँ, बाइक रखता हूँ और दवाई लेने चलता हूँ। तो दवाई लेने के बाद देखता हूँ कितने का मुझे मिलता है दवाई, और मैं आपको बताऊँगा कि कितने का मुझे दवाई मिला है। हेलो दोस्तों, अब मैं हॉस्पिटल के अंदर आ चुका हूँ। ये काउंटर है और मैंने इनको दवाई की लिस्ट दे दी है, और देखते हैं कि ये दवाई निकाल रहे हैं और देखिए कितना ये दवाई देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हॉस्पिटल के अंदर ही अब हर कोई अपना मेडिसिन खोल चुका है, जिसे मेडिकल स्टोर कहते हैं। तो अब बाहर दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, हॉस्पिटल के अंदर ही दवाइयाँ सब मिल जाती हैं। तो मैं अब इनसे दवाई ले रहा हूँ, ये पर्ची देख रहे हैं मेरा और पर्ची देख कर दवाई दे रहे हैं। तो देखें कितना देर में दे देते हैं दवाई।
फाइनली भाई साहब ने मुझे पर्ची दे दी और दवाई भी दे दी, और जिसका बिल आया मुझे 3393 रुपया। मेरे तो होश उड़ गए, 3393 रुपया आ गया है। अब मैं दवाइयों को देखता हूँ, या देखिए सारे मरीज बैठे हैं, और फिर मैं इसको कुछ मिलाता हूँ दवाइयों को, सब दवाई दिया है कि नहीं। तो मैं अब जाता हूँ बाहर, तो मुझे कुछ शक होता है कि दवाइयाँ सब मिला रहे हैं, दे रहे हैं, वापस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे भी दवाइयों को मिला लेना चाहिए एक बार बैठकर आराम से, नहीं तो फिर वापस नहीं करेंगे, या तो सब कह देंगे कि हमने सारी दवाइयाँ दी हैं, आप ही ने दवाइयाँ नहीं ली हैं। तो इस तरीके से बहुत समस्या जाती है, कई बार झेल चुका हूँ मैं, कई बार बहस भी हो चुका है, तो इसीलिए मैं जा रहा हूँ आराम से बैठकर देखने कि दवाइयाँ सारी पूरी मिली हैं कि नहीं, नहीं तो बाद में मुझे परेशानी होगा, फिर वापस आना पड़ेगा। और भाई साहब मानेंगे नहीं कि मैंने, वो कहेंगे कि मैंने पूरी दवाई दे दी है और आप परेशान हो जाएंगे। तो चलिए मैं दवाइयाँ मिला लेता हूँ। फाइनली सारी दवाइयाँ सही हैं और सब दवाइयाँ दी हैं, इसने किसी प्रकार का कोई घपला नहीं किया है। तो मैं अब यहाँ पे सब दवाइयाँ रख कर जाता हूँ बाहर, और वहाँ पे मैं अपने घर चलता हूँ। यहाँ पे तो मैंने देख लिया है कि सारी दवाइयाँ मौजूद हैं, और मैं अब जा रहा हूँ हॉस्पिटल से निकल कर। हॉस्पिटल में आने का मतलब है कि 3 से 4 हज़ार रुपये आपका खर्चा हो जाएगा, और हॉस्पिटल में तो दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई हैं कि आम आदमी तो उसे ले ही नहीं पाएगा, और इतनी महंगाई है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा तो अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं भी अब चल रहा हूँ अपना घर माताजी की दवाइयाँ लेकर। तो हमारे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब और ज़रूर करें, और हमें सपोर्ट ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और हम अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।